हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है कि हम सिर्फ बोतलों से बनाएंगे सीक वाला झाड़ू। तो हाँ, आप लोगों ने थंबनेल पे सही देखा, ये जो हमारे घर में बिसलरी की बोतलें आती रहती हैं, चाहे बिसलरी हो या थम्सम हो, कोई भी बोतलें हों, इनको तो आप फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकने के बजाय आज हम आप लोगों को झाड़ू बनाना बताएंगे। क्योंकि झाड़ू इसका इतना मजबूत रहता है और जो हम खरीद के लाते हैं वो टूट जाता है, जल्दी ही टूट जाता है और ख़राब होने का डर रहता है। और इस तरह की झाड़ू मैं ऐसी ही कोशिश करती हूँ कि ऐसी टिप्स लेकर के आऊँ कि जीरो पैसे से आपका सारा खर्चा चलता रहे, आराम से आप कम पैसों में बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब ये बोतलें हम कचड़े समझ के फेंकते हैं, तो इसको हम इस तरह से, सबसे पहले हम आपको एक बोतल काट करके दिखाते हैं। आपको उसी तरह सारी बोतलें कट कर लेनी है। तो क्या करना, नीचे का पार्ट हमने निकाल दिया, उसके बाद में पतले पतले, जितने पतले आप काट सकें उतना पतला आप इस बोतल को इस तरह से काटते चले जाइए। अब जितने ही पतले कटेंगे उतना ही अच्छा आपका झाड़ू बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये झाड़ू ना हमारा सड़ेगा, ना गलेगा, ना ख़राब होगा। आप इसको चाहे जितना चलाएँ, आप इसको ढेर सारी बोतलें काट करके आप बहुत बड़ा भी बना सकते हैं। तो चलिए, हम आज आप लोगों के लिए इसीलिए इस तरह की टिप्स लेकर के आए हैं कि आपके कम खर्चे में आपका झाड़ू बनके तैयार हो जाएगा। आप लोगों का एक अगर कमेंट आता है, एक लाइक मिलता है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों के सपोर्ट से हमारा यहाँ तक हम आए हैं, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि ऐसी टिप्स लेकर के आऊँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहे। तो देखिए, इस तरह से इसके पतले पतले काटने हैं, और क्योंकि वाइट है इस वजह से इसमें आपको देखने में थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जितना पतला आप काटेंगे, इस तरह से अंगूठे से, पैर के अंगूठे से आप दबा लीजिए बोतल को, उसके बाद में काटेंगे तो बहुत ही आसानी होती है काटने में। आप तुरंत काट के बना सकते हैं, क्योंकि हम औरतें यही सोचते रहते हैं कि इधर से बचत कर लें जिससे कि हमारा पैसा बचे। तो इस तरह से अगर हम बनाएंगे, घर में पड़ी हुई चीज़ों से अगर हम इस्तेमाल में लाते हैं, तो ये चीज़ें हमारी बहुत ही काम की होती हैं। आप लोग एक बार ज़रूर इसको बना करके देखना, आगे देखेंगे आप कितना बढ़िया झाड़ू। और ऐसा नहीं है कि इससे झाड़ू लगाते नहीं बनता है, बहुत अच्छे से झाड़ू लगता है। आप जब इसको एक बार बनाएंगे तो देखिए, इस तरह से हमें इसके पतले पतले स्लाइस की तरह काटने हैं, बहुत पतले काटने हैं। तो इस तरह, चलिए अब दूसरी बोतल को हम इसी तरह, जैसे मैंने सेम पहली वाली बताई है, उसी तरह से आपको काट के तैयार करना है। देखो, दो बोतलें हमने काट लिया है। हम आपको सिर्फ तीन बोतलों से बताएंगे, क्योंकि बिसलरी वाली जो बोतल होती है ये मुलायम होती है काटने में, और ये जल्दी से कट भी जाती है। तो देखिए, तीनों बोतलें हमारी कट गई हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से इसको हमें झाड़ू बनाना है। क्योंकि आधी अधूरी अगर आप लोग देखेंगे, फिर बाद में कहेंगे कि ये समझ में नहीं आता, कोई चाकू गरम कर लीजिए, और ये जो हमारा फेस वाश का पैकेट होता है, मतलब डब्बा होता है, इसको पहले ऊपर का पार्ट हम अलग कर देंगे, फिर इसका छोटा सा टुकड़ा चाहिए, तो पहले हम दोनों साइड से इसे काट देते हैं, क्योंकि ये भी हमारा कचड़े का है। तो हम आज आप लोगों के साथ में कबाड़ से जुगाड़ वाला टिप्स लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी है। एक बार इसको ज़रूर आप लोग ट्राई करना। फिर चाकू को गर्म कर लीजिए, जो ऊपर का हमारा पार्ट है उसको हम ढक्कन की साइड से निकाल देंगे। तो देखिए, इस तरह से पहले तीनों बोतलों को हम काट के अलग कर लेते हैं, और बोतलें अलग नहीं होनी चाहिए, जैसे गोल हैं उसी तरह से, ताकि हमें इनको बांधने में हमें दिक्कत ना हो। और ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। इस तरह से देखिए, तीनों ढक्कन हमने अलग कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब तीनों को एक साथ में इस तरह से पकड़ लीजिए, और बीच में जो पार्ट होता है वहाँ पे हम इसको किस तरह से चाहें, तो इसको किसी चीज़ की सहायता से आप पहले बांध लें, उसके बाद में करें, नहीं तो अगर ऐसे ही बांधेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, इसको हम सबसे पहले इसके अंदर सारे जितने भी हैं तीनों एक एक करके इसके अंदर रख लेते हैं, ताकि हमें इसको जब हम आगे इसको बांधें, फिक्स करें, और ये खुलेगा भी नहीं। इस तरह से आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे से बनता है। एक बार आप लोग ज़रूर बनाना ज़रूर, और मुझे ज़रूर बताना कि ये हमारी टिप्स आप लोगों को जो हम बताए हैं ये कितने काम की है। अब एक लकड़ी ले लीजिए, मैंने पहले उसमें लगा करके आपको दिखाया। तो क्या करिए, सबसे पहले लकड़ी को इस तरह से, लकड़ी के ऊपर इसको फोल्ड करते जाइए। अगर हम डायरेक्ट उस तरह से रखेंगे तो लकड़ी हमारी लगाते नहीं बनेगी। आप मोटी लकड़ी लीजिए, क्योंकि मोटी लकड़ी में ये लगाएंगे तो ये अच्छे से काम करेगा। आप चाहें तो इसमें ढेर सारी बोतल भी लगा सकते हैं। फिर कोई भी रबड़ ले लीजिए या कोई भी कपड़ा ले लीजिए, उससे अच्छे से जिस तरह से हम झाड़ू को बांधते हैं उस तरह से इसको इस डंडे से फिक्स कर देना है, ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। क्योंकि अगर टाइट नहीं रहेगा तो बोतल है फिसलती रहेगी, इस वजह से इसको पहले तो हम इससे बांध लेंगे,
उसके बाद में हम जो ये काट करके रखे हैं फेस वाश का डब्बा, उसको भी हम इसी में यूज करेंगे और ये इससे बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है, एक जगह रहेगा तो आपकी ये बोतलें निकलेंगी नहीं और ये काम करने में आसानी होगी। तो इसे हमें दो टुकड़े कर लेने हैं और एक रख देंगे, फिर कभी हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। उसके बाद में डंडी के ऊपर से इस तरह से डाल करके और इसको अच्छे से फंसा देना है। नीचे तक फंसाने के बाद में चलिए आगे हम क्या करते हैं वो भी आप लोग देखते रहिए, क्योंकि ऐसे हम अगर छोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करिए, गैस को गर्म कर लीजिए, उसके बाद में डंडी को साइड में करके जो हमने काटे हैं उसको हाथ में पहले इस तरह से पकड़ लीजिए ताकि जो कटे हुए भाग हैं वो हमारे जलने ना पाएँ। इसको हल्का हल्का गर्म करते रहेंगे और फिर इसको हम किसी सूती कपड़े की सहायता से इसको दबाते रहेंगे, जैसे कि हमने नारियल की झाड़ू में आप लोगों को बताया था कि बोतल को लगा दो तो हमारी झाड़ू एक भी सीक बाहर नहीं होती। इसी तरह इसको, क्योंकि ये बोतल हमारी जो है ये थोड़ा टाइट पड़ती है, इस वजह से ये पिघलने में टाइम ले रही है। आप चाहें तो बोतल का ही पीछे का हिस्सा काट करके इसमें लगा सकते हैं। फिर इस तरह से इसको दबाते हुए इसको अच्छे से फिक्स कर देना है। देखिए इस तरह से हल्का हल्का गर्म करते रहेंगे और दबाते जाएंगे तो ये इसी के ऊपर चिपक जाएगी और जिससे कि ये खुलेगी नहीं। तो देखिए ये हमारी बनके तैयार। अगर आपको लगे कि ये अभी ढीला लग रहा है या कुछ है, अगर बोतल लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से फिक्स होगा, तो इस वजह से आप बोतल ही लगाइए, इसको फेस वाश का डब्बा मत लगाइए, क्योंकि ये थोड़ा मुलायम पड़ता है, ये नहीं सही से नहीं हो पाता। उसके बाद में आप क्या करिए, टेप ले लीजिए, चाहे चौड़ा वाला हो या पतला वाला, जो भी टेप है उसकी सहायता से इसको हम ऊपर से लपेट देंगे ताकि हमारे हाथों में ना लगे, क्योंकि बोतल जो होती है वो कड़ी होती है। तो इस तरह से इसको लपेट देंगे। अच्छे से लपेटने के बाद में आप देखेंगे कि इससे झाड़ू लगाना कितना आसान होता है, चाहे पानी बारिश में हो या कहीं भी हो, आप इससे आराम से झाड़ू लगा सकते हैं। और ये देखने में छोटी लग रही है लेकिन ये बहुत ही कमाल की है। एक बार ज़रूर आप लोग बना करके उसके बाद में मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि किस तरह से इससे झाड़ू लगता है और बड़े अच्छे से काम करता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो देखिए, चाहे जितनी गंदगी पड़ी हो आप इस तरह से इसको खड़े खड़े भी झाड़ू लगा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये झाड़ू लगाते हुए बन रहा है। आगे हम इसीलिए ऐसी टिप्स लेकर के आते हैं जिसमें आपके एक पैसा भी ना लगे और आपका काम भी आसानी से हो सके। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है लेकिन ये आप लोगों के लिए यूजफुल ज़रूर रहेगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है डेली डेली आप लोग इस तरह से कोई सामान ले सके। तो इस तरह से छोटे मोटे काम करके आप अपने घर के पैसे बचा सकते हैं। तो देखिए जितना भी कचरा है, चाहे छोटे से छोटा कचरा, आप इससे आराम से हटा सकते हैं। और जैसे कि अभी हमने बताया कि पानी में भी इससे झाड़ू लगा सकते हैं, तो ये क्योंकि प्लास्टिक है इस वजह से ये ना गलेगा ना टूटेगा, कोई जल्दी से इसको तोड़ भी नहीं सकता है। तो देखिए इससे हमने पानी में भी आपको लगा करके दिखाया, ये बहुत ही अच्छी झाड़ू बनके तैयार होती है। आप लोग भी चाहे तो आप कोई भी जो हमारी बिस्लरी होती है उसकी भी बना सकते हैं, नहीं दूसरी बोतलों की बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।